सर, अभी आप बता रहे थे कि देवनागरी लिपि की विशेषता होती है जिसमें कि हिंदी लिखी जाती है, संस्कृत लिखी जाती है और भारत की सारी भाषाओं की वर्णमालाओं की सजावट, जैसे शुरुआत में स्वर होते हैं फिर व्यंजन होते हैं, तो क्या तमिल और तेलुगु में भी इस तरह से सजावट की जाती है? देखिए, ये जो द्रविड़ का चक्कर है ना, ये बोलते हैं द्रविड़ियन लैंग्वेजेस, हम द्रविड़ हैं, ये हमारे एक राजनेता का किया धरा है। द्रविड़ जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो जब मंडन मिश्र के पास आदि शंकराचार्य आए, मंडन मिश्र कहाँ के, बंगाल के, बिहार के, बिहार बंगाल के बॉर्डर के जी। आदि शंकराचार्य केरल से चलकर आए थे और तर्क के लिए जब बैठे दोनों, तो उन्हें मंडन मिश्र ने पूछा था कि आप कहाँ से हैं, तो आदि शंकराचार्य ने बोला था कि मैं तो एक द्रविड़ शिशु हूँ। द्रविड़ यानी कि जहाँ तीनों सागर मिलते हैं, इस तरफ से बे ऑफ बंगाल, इस तरफ इंडियन ओशन और उस तरफ अरेबियन सी, ये तीनों मिलते हैं ना एक दूसरे से, तो केरल में मिलता है ना भाई तीनों नीचे वहाँ। तो उन्होंने बोला मैं एक द्रविड़ शिशु हूँ। अब उस द्रविड़ शब्द को उठा के हम द्रविड़ द्रविड़ बोलते हैं, लेकिन चक्कर ये है, देखिए अगर आप तो उसी ढांचे में स्वर पहले व्यंजन क च ट त प के माध्यम में, इसकी सजावट आपकी मलयालम में भी है, तेलुगु में भी है, कन्नड़ में भी है, सिर्फ तमिल में नहीं है। वजह इसका मैं बता देता हूँ आपको। ऐसा बोला था कि हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन जो थे, उनकी बड़ी कोशिश थी कि ये देवनागरी वर्णमाला में सभी भाषाएं लिखी जाएं भारतवर्ष की। क्यों? क्योंकि इन वर्णों में, इन अक्षरों में मंत्र का की अनुभूति हो सकती है। ये अक्षर अगर सही उच्चारण ही कर दिए जाएं तो शरीर शुद्ध हो जाएगा जी। उस समय के राजा थे हमारे महेंद्र वर्मन, तमिलनाडु के, बड़े ही प्रतापी। अभी अगर आप महाबलीपुरम जाएं, जहां हमारे प्रधानमंत्री गए थे जी, उस चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के साथ, महाबलीपुरम अगर जाएं, जहां करके एक एक पत्थरों के ऊपर अभी भी बनाई गई हैं सारी मूर्ति और सजावट, उस जगह के राजा थे महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन ने हर्षवर्धन को रोक दिया था और तमिलनाडु के उस क्षेत्र में वो नहीं आ पाए थे, इसलिए तमिल भाषा जो थी वो जैसी थी वैसी रिस्टोर आउट कर दी गई है। बाकी तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, बंगाली, आप और तमाम तरह की जितनी भी भाषाएं हैं जो कि भारतवर्ष में इस्तेमाल की जाती हैं, उसमें भी वही देवनागरी लिपि की ही सजावट है। यानी कि स्वर पहले क च ट त प के आकार में व्यंजन, फिर य र ल व ग्लाइड्स, श श श फ्रिकेटिव्स, ह ग्लॉटल, श त्र ज्ञ, ये होते हैं आपके ब्लेंड्स। ये सारे के सारे इस तरह की सजावट आपको भारतवर्ष की सभी भाषाओं में मिलेगी। ये बताती है कि भारत हमेशा से ये कर रहा था जी। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, एक के ऊपर भी, एकता के ऊपर भी, बहुत अच्छा। और मुझे भी नहीं पता था सर कि सारी भाषा है स्वर और व्यंजन से ही शुरुआत होती है, सिर्फ एक कन्नड़ को छोड़ के, नहीं, तमिल, 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 हाँ, तमिल, सिर्फ एक तमिल को छोड़ के, उसमें भी स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, पर पूरा स्पेक्ट्रम या पूरी छटा नहीं होती। कहने का मतलब है कि जैसे हम क ख ग घ ङ बोलते हैं ना, क ख ग ङ, सारी की सारी है, तो तमिल में क होगी और बीच के दो छुटके फिर होगा ऐसे, तो पूरा पूरा स्पेक्ट्रम नहीं होता। अच्छा, कुछ कुछ ले लिए, हाँ, कुछ कुछ उसमें से ले लिए गए हैं, लेकिन ढांचा वही होगा, स्वर पहले व्यंजन बाद में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे 91.2 NIVH हेलो दून पर देवनागरी भाषा के बारे में जानकारी, जिसमें कि हिंदी लिखी जाती है और सभी भाषाएं उसी ढांचे में आती हैं और उसी सजावट के साथ लिखी गई हैं और लिखी जाती हैं। सर, देवनागरी लिपि और उसके साथ जो भी भाषाएं, उपभाषाएं हैं, सभी उसी सजावट के साथ आपने बताया कि लिखी जाती हैं, कही जाती हैं, तो क्या अंग्रेजी भी इसी उसमें है? नहीं नहीं, बिल्कुल अंग्रेजी उस हिसाब से नहीं है। अंग्रेजी एक अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट है जिसमें कि अगर ए के बाद बी आता है तो आपको नहीं पता कि क्यों आता है। जी बिल्कुल नहीं पता, उसमें कोई विज्ञान नहीं है। और बी के बाद सी क्यों आता है वो भी नहीं पता। और ए को आप अ कभी बोलते हैं, ए कभी बोलते हैं, अ कभी बोल जाते हैं, इसलिए तो सी ए टी अगर आप कैट बोलते हैं तो, या पी यू टी अगर आप पुट बोलते हैं तो बी यू टी बुट होना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो जो आप बोलते हैं वो लिखा नहीं जाता, उसकी सजावट में स्वर बीच बीच में कहीं कहीं हैं, उसमें सिर्फ 24 ही अल्फाबेट्स हैं, वो अक्षर नहीं है ना ही वर्ण है,
अल्फाबेट्स हैं जिनसे जिनका की प्रोनाउंसिएशन लगभग 1020 तरीके से किया जा सकता है, इसलिए स्पेलिंग एरर्स बहुत होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वही चीज़ अगर आप देखें हिंदी हो या दूसरी कोई भारतीय भाषा हो, उसमें 30% का लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं दिखेगा आपको, कुछ दिखेंगे, वो तो साधारण है, कुछ दिखेंगे आपको, क्योंकि भाषा जो आप सुनते हैं वैसे ही आप लिखते हैं। ये जो फोनेटिक कंपोनेंट है वो सिर्फ भारतीय भाषाओं में है और अंग्रेजी में नहीं है, इसलिए लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रिवलेंस बहुत ज़्यादा है। और ऐसा बोला जाता है कि अंग्रेजी भाषा को उतनी सीखने में जितनी दूसरी भाषा को सीखने में ताकत लगती है, लगभग 4.5 या 7.5 गुना ज़्यादा ताकत लगता है उसमें जी। तो इसलिए अंग्रेजी एक तरह से कठिन भाषा है और हमारी फोनेटिक भाषा है। हाँ, तो हमें अपनी भाषा को बचा रखनी चाहिए। हिंदी भाषा तो आसान है, कहते हैं हिंदी भाषा सीखिए, आसान है, जल्दी सीख जाएंगे। बिल्कुल। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे 91.2 NIVH हेलो दून पर देवनागरी लिपि की विशेषताएं, जिसे बता रहे थे निपवेट के निदेशक प्रोफेसर नचिकेता राव जी। और सर आप हमारे स्टूडियो 91.2 NIVH हेलो दून में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, लूंगी विदा, फिर मिलूंगी, और आप लोग सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून।